समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के जन्मदिन का केक काटना व कंबल वितरण करना सपा कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के जन्मदिन पर केक काटना, कंबल बांटना सपा कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ वाराणसी के कोतवाली थाने में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस 4 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच कर रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का जन्मदिन कोतवाली थाना क्षेत्र के सप्त सागर में केक काटकर मनाया था। पूर्व सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन कार्यक्रम में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी केक काटने के बाद कंबल वितरण किया गया। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पुलिस उपायुक्त आरएस गौतम ने बताया कि चौकी इंचार्ज द्वारा कार्यक्रम की सूचना मिलने पर कानूनी कार्यवाही की गई है। 4 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच कर रही है। ये आनंद कुमार सिंह वाणिज्य कर अधिकारी FS2 389 क्षेत्र के एक तहरीर सप्त सागर मोहल्ले में थाना कोतवाली अंतर्गत आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। कोविड प्रोटोकॉल नियमों का उल्लंघन के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग में धारा 188, 269, 270, 171 ई IPC व 51 डिजास्टर एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ है, जिसमें ये 3 व्यक्तियों प्रभाकर व अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। साक्ष्य संकलन के आधार पर इसमें